सर जो अभी एग्जिस्टिंग कंपोजिशन वाले हैं और उन्होंने अप्लाई नहीं किया कंटिन्यूएशन पे, वो क्या रेगुलर में आ जाएंगे क्या? बिल्कुल सर। सेकंड एक क्वेश्चन था सर, जीटीए में आपने बताया कि अभी ऑप्शन आ गया 20 अगस्त से 5% या 12%, 5% में आईटीसी नहीं मिलेगा, 12% में मिलेगा, ये आपने नोटिफिकेशन बताया 20 अगस्त का है, 20 अगस्त कब से है सर वो? सर राइट फ्रॉम बिगनिंग, एक्चुअली ये जो ऑप्शन है ऑप्शन विल बी फ्रॉम 20 अगस्त ओनली, बिकॉज 20 अगस्त को उन्होंने नोटिफिकेशन अमेंड किया है, तो 20 अगस्त के बाद ही ऑप्शन रहेगा, 20 अगस्त के बाद ऑप्शन रहेगा, उसके पहले जो था वो 5% था उसमें आईडी, वो तो आपके पास ऑप्शन भी नहीं था उसमें कुछ भी करने का। कपिल जी एक क्वेश्चन ऐसा है कि ये जो टैक्स अकाउंटिंग है एप्लीकेबल टू ट्रेडर की ट्रेडर के ना था एनीबॉडी के ना मेरा बैंक बैलेंस नहीं है और मैंने चेक इशू कर दिया सजेशन पीपल कम टू मी विद दैट सजेशन कि अभी वो क्या होता है अप्रैल मई में आकर दे रियलाइज कि इसका तो खर्चा किया नहीं, इशू अ चेक डेटेड 29 मार्च और वो क्लियर होता है जाके जुलाई में, जुलाई में जाके होता है व्हाट यू हैव डन इज बेसिकली यू हैव कमिटेड सॉर्ट ऑफ अ क्राइम, यू आर इशूइंग अ चेक विदाउट द बैलेंस, so I would not but what about in case of somebody having the cash credit limit from the bank but that limit is already full, he is giving extra check over and above the limit, it all depends on the reasonableness, many times it is possible ki yes I had expected ki I would receive some payment the next day against which I have issued it, I can always say 31st march ko maine issue kiya tha ki 1 tarikh ko mere ko ek aadmi se mere ko payment aane wala tha isliye maine utna kar diya. See, I would say, practically speaking, a 1 week window can be a sufficient thing. कि एक हफ्ते में clear हो गया, 10 दिन में clear हो गया, that is an understandable thing. 30th March का check जाके जुलाई में clear हुआ, जून में clear हुआ, it is somehow I would say that you were giving someone an opportunity to question. ये बिल में जैसे बिल अपने पास नहीं आया, अब 2A में दिख रहा है. बैंक के लिए उन्होंने बोला है टैक्स इनवॉइस भी अलग होना जरूरी है, सिर्फ अकाउंटिंग अकाउंट जो स्टेटमेंट है दैट इज इनफ, दैट इज ओनली अ बिल इनवॉइस, 2A में दिख रहा है तो वी कैन टेक, अगर आपको उसने अपने को जीएसटी नंबर लिख के भी नहीं दिया जब उसने पैटर्न भरा तो दिखा दिया है ना, दिख रहा है सर, लीगली नहीं ले सकते प्रैक्टिकली ले सकते हैं, लीगली इसलिए नहीं ले सकते बिकॉज क्रेडिट लेने का एक इम्पोर्टेंट जो रूल में प्रिस्क्राइब किया गया वो ये है कि आपका जीएसटी नंबर उसे शो करना चाहिए, डिस्प्ले करना चाहिए, अगर वो नहीं कर रहा है तो इट इज नॉट अ वैलिड बिल सर, जब वैट आया था 5-6 में असेसमेंट में मेरे ख्याल से 5-6, 6-7 तीन सालों से एक ही चीज देखते थे तुम्हारे बिल लाओ उसमें तुम्हारा टिन नंबर है कि नहीं है, तो लीगली अगर आपका टिन नंबर नहीं है तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर क्रेडिट, लॉग इन करके डीलर सर्विसेज में आपको ऑप्ट इन करना पड़ेगा बस, कंपोजिशन ऑप्ट इन हर साल, बिकॉज स्टार्ट ऑफ द ईयर से पहले आपको आप अगले साल कंपोजिशन जा रहे हैं ऐसा करके आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा, आपको 1% टैक्स पे करना पड़ेगा Not 18% जो कोई भी लगाते हैं नहीं नहीं और उसका ये रिफंड नहीं मिलेगा जय वैट में जो 704 भरने के बाद में जो रिवाइज रिटर्न एनुअल भरना है वो कहाँ से जाना पड़ेगा उसको भरने के सर mahagst.gov.in एक नया साइट उन्होंने बताया है उसमें आपको लॉगिन करके जहाँ से आपने 704 फाइल किया होगा या अगर नया नंबर होगा या पुराना नंबर होगा तो अभी आप लॉगिन कर लीजिए उस पर आपको नया रिटर्न भरने आ जाएगा उस पर डाउनलोड स्कीम को उसने दिया हुआ है तो प्रोफाइल नया प्रोफाइल बनाना है बिल्कुल सर अपलोड करना है साल भर के सिंगल डालना है साल भर का सिंगल रिटर्न डालना है
लेकिन सेल परचेस जो अपना रेगुलर टर्म में एनएचआर बोलते थे पूरा सब पूरा पूरा डालना है इधर भी डालना है इधर भी डालना है साल भर का पूरा परचेस कर रजिस्टर बिल्कुल सर वो कब बोले आपको रिवाइज रिटर्न फाइल करना है तो वो इन्फॉर्मेशन आपको मंथली देना है क्योंकि पहले अप्रैल का सेल बोलता है वो वैलिडेट करेगा अप्रैल का परचेस आएगा फिर मई का सेल आएगा पॉसिबल ही नहीं हो सकता बट बाय नोटिफिकेशन कमिश्नर कैन डू सो तो मेरे ख्याल से इस पे रिप्रेजेंटेशन होना ज्यादा जरूरी बिकॉज 15 तक की कोई भी नहीं फाइल कर पाएगा ऑडिट में हो गया 5,75,000 I can't claim refund of 575 as per 501 का डेट मेरे पास सितंबर तक है सर बट रिटर्न मैंने 15 मार्च को 15 मई को फाइल किया या 15 सितंबर को फाइल किया सो व्हाट इफ इन दैट सिचुएशन सर रिटर्न अंडर सेक्शन 20 सब सेक्शन 4 क्लॉज बी ऑफ एमवेट एक्ट शुड बी फाइल्ड विद इन 30 डेज ऑफ लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ 704 मींस 15th ऑफ मार्च उसके बाद जो आप रिटर्न फाइल करेंगे इट इज अंडर सेक्शन 20 और सेक्शन 4 क्लॉज सी अब लीगली अगर कोई चैलेंज करने गया तो इट इज नॉट अ वैलिड रिटर्न अनलेस एंड टिल डिपार्टमेंट हैज आस्क्ड यू टू फाइल रिवाइज रिटर्न ओके मतलब सॉरी हां सर बट 704 इज द फाइनल फिगर उसके बेसिस पे असेसमेंट करना है उसमें 704 में जो मेरे बुक्स है वो फाइनल है असेसमेंट में भी उसके अलावा क्या निकलेगा सर कहता है सबसे पहले तो आप रिटर्न फॉर्म तक जाने की आपका प्रोफाइल ही क्रिएट नहीं हो रहा है सबसे पहला प्रॉब्लम है कि प्रोफाइल ही क्रिएट नहीं हो रहा है प्रॉब्लम में बताना चाहता हूँ क्या एक्टिव है समझ लीजिए आपने 525 का केस नहीं किया 501 या 501 फाइल कर दिया बट आपसे 704 के बेसिस आप क्लेम रिफंड करना चाहते हैं उस केस में उनके पास ये ऑप्शन है कि वो असेसमेंट ना लगाए आपका बिकॉज अर्लियर देयर वाज अ प्रोविजन दैट एनी डीलर मे आस्क कि मेरा इस साल असेसमेंट कीजिए दैट सब सेक्शन वाज डिलीटेड 3 इयर्स बिफोर सो नाउ नो वन कैन आस्क कि मेरा असेसमेंट कीजिए एंड अनलेस एंड अंटिल असेसमेंट इज कंप्लीटेड आई कांट क्लेम माय रिफंड Exactly, I wanted to that कि this message should be conveyed to the industry कि अगर आपका refund है कुछ भी है तो that return should be filed. यानी आप High Court में जाके ये नहीं बोल सकते कि सर मैंने तो 7,000 भर लिया था आपने 5 साल में 6 साल में assessment नहीं किया आप मेरा refund दीजिए सर refund process देने के लिए वो जो process design की गई है उसमें assessment एक compulsory part है law में भी unless and until assessment is done 301 में जब तक आप order नहीं है तब तक के department refund नहीं देंगे आपको password भरना भी पूरा जरूरी है एक नया चालू है अभी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर ये शायद एक नया आ रहा है लो पार्टी थोड़ा सा अगले साल से टैक्सेशन पे आ रहा है तो एक बार काफी जगह लोगों का डिस्कशन ये हो रहा है कि हम लोगों ने शेयर बेचना चाहिए या रखे रहे शेयर अभी या क्या करना चाहिए उसमें तो एक ग्रैंडफादरिंग क्लॉज लाया क्या था जब भी कोई नया कानून आता है कुछ ना कुछ उसको कॉम्प्लिकेशन सिंपली जितने सिंप्लीफिकेशन में बात होती है उतना ज्यादा कॉम्प्लिकेशन कुछ ना कुछ एड ऑन होना चालू हो जाता है एक ग्रैंडफादरिंग क्लॉज था तो एक शॉर्ट में लाके उसमें अब क्या करें शेयर रखे बेचे 31 मार्च 2018 तक ये तो कहे कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में टैक्स नहीं है और 1 अप्रैल से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का टैक्स चालू हो जाएगा तो एक शॉर्ट में उसका गिस्ट ये था कि आप करना क्या चाहिए अगर आपका आपने सपोज 100 रुपए का शेयर लिया है 31 जनवरी को उसका रेट 200 रुपए का शेयर का रेट है
और 31 मार्च तक अगर उसका रेट 200 से ज्यादा हो जाता है, 250 है, 300 है, 400 है, तो बेटर है आप उसको 31 मार्च के पहले बेच दे। अगर आप उसको 250 या 300 रुपए रेट है आप 31 मार्च के बाद बेचते थे, तो जो 200 के ऊपर जितना भी प्रॉफिट होता था आपको उस पर टैक्स लगता था, ठीक है, तो बेटर है उसको बेच दे। दूसरा है, अगर लॉस है तो क्या करना चाहिए, आपने 100 रुपए का शेयर खरीदा था, 200 रुपए 31 जनवरी को रेट था, अब उसका भाव 50 रुपए हो गया, तो लोग एक्चुअली बोलते हैं लॉस बुक करेंगे, यानी वो लॉस आप 31 मार्च के बाद में बुक करें, क्योंकि वो टैक्सेबल लॉस, टैक्सेबल प्रॉफिट है, तो लॉस भी टैक्सेबल रहेगा, यू विल बी बेनिफिटेड अगर आप उसको 31 मार्च के बाद बेचते हैं तो, है ना। तो एक जनरल ऐसा था कि कई बार नया प्रोविजन आता है तो हर जगह कंप्लेन होती है कि भैया ये तो टैक्स आ गया, बहुत फालतू की पेनल्टी रहे तो बहुत ज्यादा जबरदस्ती का टैक्स लगता है, लेकिन उसका एक पॉजिटिव साइड भी, उसके दूसरे बेनिफिट भी रहते हैं। तो 31 मार्च को बेच के 1 अप्रैल को वापस कर दो, अगर 200 रुपए का, अगर मेरा 100 रुपए का खरीदा हुआ शेयर 31 जनवरी को 200 का था, मैंने 50 रुपए में 30 अप्रैल को बेचा, 50 रुपए में बेचा, कैन आई क्लेम LTCL ऑफ रुपीज 150? यस, अरे आप एक पोजीशन समझिए, 100 रुपए का खरीदा, 200 रुपए आपको खाली स्टैक वाला अकॉर्डिंग मैं बताता हूँ, ये विल बी डिफरेंट, नहीं मैं बताता हूँ, ये आई विल कवर इट, यानी बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर है, एक दिन में कितना बड़ा फर्क आता है ना, 31 मार्च कितना इंपॉर्टेंट है, देखिए 100 रुपए में लिया, 200 रुपए का 31 जनवरी का रेट था, अब आपने 31 मार्च को बेचा 50 रुपए में और 1 अप्रैल को बेचा 50 रुपए में, अगर आपने 31 मार्च को बेचा वो 50 रुपए में बेचते हो, तो जो 150 का लॉस है वो कहीं पे भी आप एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, कोई सेट ऑफ नहीं रहेगा, और 1 अप्रैल को अगर आप तो कैरी फॉरवर्ड भी नहीं कर पाएंगे, 1 अप्रैल को बेचा तो 150 रुपए का जो लॉस है दैट कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो ये एक दिन का बहुत बड़ा फर्क। माय क्वेश्चन इज, माय ईओए वाज 50 रुपीज, यस, मार्केट प्राइस एज ऑन 31 जनवरी वॉज 200, यस, सेल प्राइस इज 50, सो आई एम हैविंग लॉस ऑफ 50 रुपीज, मीन 100 माइनस 50 और 50 माइनस 200। इन्होंने ग्रैंडफादरिंग क्लॉज का जो प्रोविजन बनाया है ना, लॉजिकली परफेक्ट प्रोविजन बना के रखा है कि अनवांटेड बेनिफिट आप एक्सपेक्ट नहीं कर पाएंगे, 50 रुपए का मिले हायर ऑफ जो प्रोविजन था कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और लोअर ऑफ 31 जनवरी का रेट और एक्चुअल सेल प्राइस विच एवर इज लोअर, तो इसमें एक्चुअल सेल प्राइस आपकी 50 रुपए की हो जाती है ना, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैन नॉट एक्सीड मोर देन 50 इन दिस केस, तो आइडियली वो अलग का प्रोविजन ही बचता, लेकिन ये दूसरा बेनिफिट कैन बी एक्सपेक्टेड आउट ऑफ दैट, तो इसको लॉस 100 को मिलेगा कि 50 का मिलेगा, दैट दैट फॉर ट्रैप अभी तो और भी लगा लेकिन एक जनता से एक वो था आई हैव अ क्वेश्चन रिगार्डिंग वैट ऑडिट, पांच जो वैट ऑडिट की बात चल रही थी कि 31/3/18 के पहले वैट ऑडिट वैट ऑडिट मतलब असेसमेंट, तो अभी 13/14 का असेसमेंट हुआ है, बाकी के हुए नहीं, अभी क्या 15 दिन में वो लोग असेसमेंट करेंगे सब, ये सर एक तैयार लुकआउट, अभी जो असेसमेंट 13/14 से नहीं हुआ 31 मार्च, हाँ वो 31 मार्च से आगे नहीं बढ़ पाएंगे, मतलब 13/14 14/15 लीगल डेट है नेक्स्ट ईयर 31st of March 2019, मतलब 13/14 हुआ भी होगा नहीं, यस सर, अनलेस अंडर यूर 302 और सम अदर काइंड ऑफ नोटिस, 301 है तो 13/14 तक एक ईयर का लीगल बात, हमारा अनाज का बिजनेस है तो हम लोगों को GST लगता नहीं है, हमने GST रजिस्ट्रेशन नंबर सरेंडर कर दिया है, ठीक है, अब सीन ऐसा है कि मैं एक घर पे रहता हूँ, मैंने एक और हाउस प्रॉपर्टी लेके रखी है और वो अब मेरे को उसका पजेशन मिल चुका है लेकिन मैंने उसको रेंट पे नहीं चला है, ठीक है, तो अब मुझे वो डीम्ड रेंट लगेगा उसमें इनकम टैक्स में, एक ही पार्ट और कॉल कर देता हूँ, 31 मार्च का एक इम्पोर्टेंट और पार्ट है कि ये 31 मार्च के बाद में 31 मार्च 2017 के और 31 मार्च 2016 के रिटर्न
नहीं भर पाएंगे और कंपनीज और फॉर्म के केस में अगर कोई इनकम नहीं भी है कोई बिजनेस नहीं भी हो तो रिटर्न फाइलिंग इज मैंडेटरी दैट इज द मस्ट बी क्वेश्चन दैट एवरीबॉडी शुड टेक नोट ऑफ फ्रेंड्स कोई भी प्रोग्राम पॉसिबल नहीं होता एनालिस्ट के लिए डाउन टू अर्थ प्रैक्टिकल और जिन्होंने बहुत सारे मैटर देखे उनके फेजेस के बिना ये प्रोग्राम पॉसिबल नहीं होता आई एम वेरी 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 मच थैंकफुल के दो रिनाउंड स्पीकर जिनका टाइम लेना भी बड़ा डिफिकल्ट अदरवाइज रहता था और उनका इतना डिटेल एक्सपोजर है एंड दे आर वेरी ऑनेस्टली शेयर देयर ओपिनियन देयर व्यूज एंड देयर डे टू डे एक्सपीरियंसेस विद ऑल ऑफ अस आई एम थैंकफुल टू सीए कपिल हिरानी जी फॉर योर वैल्युएबल एंड टाइमली प्रेजेंस हियर to CA Jay, who is always readily available for the VI program also. And I am thankful to all of you for your presence here. Thanks to Umang for his presence in the entire session. Kapil is going to take this session. And the whole session actually is going to take for the VI. But he got chota sa wo, actually incident share karta hu. जो भी वीआई पे एक बार प्रोग्राम लेता है ना उसके तो ही इज दिस मोस्ट सॉफ्ट डॉक्टर सॉफ्ट स्पीकर है फॉर वेरियस अदर ऑर्गन